हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रदीप्स केमिस्ट्री क्लासेस। और मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैना। आज हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में क्लास ट्वेल्थ की बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज आज मैं बताने जा रहा हूं ना, वो क्या है ना, जो क्लास ट्वेल्थ की जो बोर्ड की एग्जाम होती है उसमें एक मैकेनिज्म 2 मार्क्स के आते हैं, और वो मैकेनिज्म ज्यादातर क्लास ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक की जो है चैप्टर है उनमें से कोई एक मैकेनिज्म आती है, और इसमें 3 मैकेनिज्म होते। आइए हम बात करते हैं वो 3 इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म कौन है और जिससे एक क्वेश्चन केमिस्ट्री की क्लास ट्वेल्थ की बोर्ड एग्जाम में आने का 99.9% चांस होता है। इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आपने इस तीनों मैकेनिज्म को आपने कर दिए तो आपका एक मतलब मैकेनिज्म जो है बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का हो गया जिसमें 2 मार्क्स आते हैं। आइए हम बात करते हैं बच्चों ना, वो मैकेनिज्म क्या होता है ना। नंबर 1 की हम बात करते हैं ना, नंबर 1 मैकेनिज्म यू कैन राइट नाउ ना, मैकेनिज्म नंबर 1, ये पहला मैकेनिज्म क्या है ना, आपको बनाना है अल्किन 2 अल्कोहल। क्या है ना, अल्किन 2 अल्कोहल। सो अल्किन 2 अल्कोहल के लिए क्वेश्चन कैसा आएगा ना, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है राइट द मैकेनिज्म ऑफ अल्किन 2 अल्कोहल है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है ना राइट द मैकेनिज्म फॉर कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या है ना, कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का कैटालिटिक हाइड्रेशन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में वाटर, हाइड्रेशन का मतलब बच्चे क्या होता है ना, एडिशन ऑफ वाटर। सो वाटर जब हम ऐड करते हैं तो अल्किन के साथ अल्कोहल बन जाता है, और लेकिन क्वेश्चन जैसे घुमा के दे देता है कि ये नहीं बताता है कि अल्किन से अल्कोहल बने। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि प्रोपीन टू प्रोपानल बनाओ या इथीन टू इथानल बनाओ, बट कई बार ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। आइए हम बात करते हैं कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्किन में क्या होती है ना, मैं इसको मेन रिएक्शन को मैं इसमें लिखता हूं यहां पर ना, कैसे होता है मेन रिएक्शन ना अल्किन। सपोज मैं बात करता हूं CH3CH और डबल बॉन्ड CH2 है, प्लस वाटर मैंने ऐड कर दिया है, और यहां पर हम देखते हैं H प्लस के प्रेजेंस में ये देता है अल्कोहल CH3CHOH अगेन CH3। क्लियर। सो एडिशन ऑफ वाटर, बच्चे आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है ना, अगर ये सिमेट्रिकल अल्किन है तो कोई रूल लागू नहीं होगा, अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन है तो यहां पे मार्कोनिकोव रूल, क्योंकि यहां पे प्रोपीन जो है अनसिमेट्रिकल है, यहां पर मैं लिख सकता हूं मार्कोनिकोव रूल यहां पे अप्लाई होगा। क्या होगा ना, मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा अगर ये अनसिमेट्रिकल, यहां पर हम देखते हैं ये अनसिमेट्रिकल क्या है ना, अनसिमेट्रिकल अल्किन है। सो जो अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड की दोनों साइड में डिफरेंट नंबर ऑफ जो कार्बन होती है उसको अनसिमेट्रिकल अल्किन कहते हैं, तो इसलिए। बट अगर मैं बात करता हूं सिमेट्रिकल अल्किन है, आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन है सो इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अल्किन है। सो यहां पे वन, सो दिस इज सिमेट्रिकल अल्किन है, एक होता है अनसिमेट्रिकल अल्किन है। अगर हमने सिमेट्रिकल अल्किन से अल्कोहल बना रहे तो वहां कोई रूल की आपको जरूरत नहीं है, बट अगर हम बात करते हैं कि अनसिमेट्रिकल अल्किन से अगर अल्कोहल बना रहे है कि नहीं, उस कंडीशन में क्या होता है ना, मार्कोनिकोव रूल फॉलो होती है। आइए हम बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन है, आपको याद रखने का तरीका मैं आपको आज बताऊंगा, आप जरूर इसको नोट कर लेना कॉपी और पेन के साथ। आइए हम आगे बढ़ते हैं ना, अल्किन टू अल्कोहल, ये मैकेनिज्म नंबर 1
मैकेनिज्म में थ्री मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। ये पहला मैकेनिज्म है जो फास्ट मैकेनिज्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो अल्किन टू अल्कल में या कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्किन में रिएक्शन यहाँ पे लिखा, बट मैकेनिज्म इसकी क्या होती है ना बच्चे आपको ये समझ आ रहा होगा, मैकेनिज्म जब क्वेश्चन में पूछता है ना मैकेनिज्म क्या होता है ना नंबर ऑफ स्टेप्स टू व्हिच ए रिएक्शन इज कंप्लीटेड, जितने सारे स्टेप में एक रिएक्शन कंप्लीट होती है उसको उसकी क्या कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं। सो मैकेनिज्म वर्ड का मतलब है आपको ये लिखना है कि कितने स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। अगर आपको स्पेसिफाई कर देता है तो आप प्रोपीन से प्रोपानल बनाइए तो आपको वही लिखना पड़ेगा, अगर आप एनी अल्किन टू अल्कल है आप इथिन से इथानल भी बना सकते हैं, क्लियर। सो अब ज्यादातर इस दोनों का आता है, इथिन से इथानल या प्रोपीन से प्रोपानल आता है। अच्छा आइए हम बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन जो है अल्किन टू अल्कोहल तो ये थ्री स्टेप में होती है, कितने स्टेप है ना थ्री स्टेप में होती है, उसको याद रखने का एक मैं तरीका आपको बता रहा हूं, दैट इज पी एन डी। क्या है ना पी एन डी, क्या है पी एन डी, थ्री स्टेप, लेकिन इसको मैंने एक याद रखने का तरीका आपको बता दिया हूं, वेरी शॉर्टकट तरीका है, दैट इज पी एन डी। सो ये जो मैकेनिज्म को मैंने इस तरह से नाम दे दिया पी एन डी। पी एन डी का मतलब क्या है ना बच्चे, कई बच्चे तो को मैं इस बताता हूं भाई पी एन डी होता है असली में क्या होता है ना प्रोटोनेशन न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड डीप्रोटोनेशन, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए हम ये भी यूज करते हैं प्लीज नॉट डिस्टर्ब, प्लीज नॉट डिस्टर्ब। तो इसका मतलब है लेकिन आपको समझ पा रहे हो, याद रखने का तरीका है पी एन डी थ्री स्टेप है प्लीज नॉट डिस्टर्ब, या इसको हम कह सकते हैं प्रोटोनेशन न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड डीप्रोटोनेशन। सो ये आप जरूर इसको माइंड में रखना पी एन डी प्लीज नॉट डिस्टर्ब, प्लीज नॉट डिस्टर्ब, इसका मतलब है आपको ये मैकेनिज्म याद हो गया है, क्लियर। सो एक्चुअल इसका वही फुल फॉर्म नहीं है लेकिन याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं प्लीज नॉट डिस्टर्ब, मैकेनिज्म नंबर वन अल्किन टू अल्कोहल प्लीज नॉट डिस्टर्ब। सो इसका मतलब क्या है, प्रोटोनेशन न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड डीप्रोटोनेशन है, थ्री स्टेप है। आइए हम बात करते हैं स्टेप वन की बात करते हैं, दैट इज स्टेप वन। मैकेनिज्म में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है ना, आपको एरोस वगैरह रिप्रेजेंट करनी होती है, आरो वगैरह आपको रिप्रेजेंट करनी होती है। सो स्टेप वन दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्किन, बट ना प्रोटोनेशन ऑफ अल्किन। सो अल्किन की हम प्रोटोनेशन करते ना कैसे प्रोटोनेशन करेंगे ना, उससे पहले हम देखते हैं ना वाटर है, सपोज वाटर H2O है प्लस H प्लस है, क्लियर। सो वाटर और H प्लस, इसमें आप देख सकते हैं वाटर जो है ना इसमें ऑक्सीजन के पास टू लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर इसको दे सकता है, किसको दे सकता है ना ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है बट प्रोटॉन कभी मूवमेंट नहीं करता। बच्चे वही मिस्टेक करते हैं कि H प्लस को यहां लेके आते हैं, H प्लस तो हेवी होता है भाई, ये मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए हम बात करते हैं कि ये जो लोन पेयर आपको ऑक्सीजन के पास दिख रहे ये जो लोन पेयर ये यहां से मूव करेगा व इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को, जब इलेक्ट्रॉन दे देगा बच्चों आप बताइए कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर अब कौन सा चार्ज आएगा ना प्लस आ जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इसके ऊपर प्लस H और H, ये क्या हो गया ना दिस इज हाइड्रोनियम आयन, दिस इज व्हाट ना हाइड्रोनियम आयन बन गया, क्या बन गया ना हाइड्रोनियम आयन बन गया, क्लियर। आइए हम बात करते हैं जब ये हाइड्रोनियम बन गया है हमारे पास क्या है ना प्रोपीन है जो अनसिमेट्रिकल अल्किन है, इसकी हम बात करते हैं ना सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है प्लस, मैंने इस हाइड्रोजन आटम हाइड्रोनियम आटम को यहां लिख दिया,
क्या कर दिया, इसके साथ लिख दिया। आपको बच्चे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है ना, प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होती है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है, ये क्या करेगा ना, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेगा, ताकि इसको न्यूट्रल चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये क्या करेगा ना, जबरदस्ती एक तरह से ना, किसी के साथ जबरदस्ती आप कर रहे हो, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है जबरदस्ती, भाई देगा या नहीं देगा मैं छीन लूंगा इसको भी। तो इस तरह की कहानी किसके साथ होती है ना, हाइड्रोनियम आयन के पास जो ऑक्सीजन है जो पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही होता है। तब उस कंडीशन में क्या होगा ना, मैं इसकी प्रोडक्ट को थोड़ा सा जगह नहीं है, मैं इधर लिखता हूं, ये बन गया वाटर प्लस, बट ये जो H प्लस रह गया ये किसके पास जाएगा, ये अभी सोचने वाली बात है कि जो H प्लस है जब इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया, एक तरह से ये H प्लस बन गया, क्या बन गया ना, एच प्लस बन गया। जब एच प्लस बन गया वह प्रोटोन की तरह बिहेव किया। अब ये मार्कनी का रूल आपको याद रखना है, मैंने यहां पे लिखा था कि इस मैकेनिज्म में कौन सा रूल अप्लाई होगा ना, मार्कनी का रूल अप्लाई होगा। जब मार्कनी का रूल अप्लाई होगा, और मार्कनी का रूल क्या कहता है ना, मोर विथ मोर, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको एक हालो अल्केन्स में भी है और हाइड्रोकार्बन में अल्किन की चैप्टर में भी है, दोनों जगह है। तो मार्कनी का रूल अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं बता देता हूं, मार्कनी का रूल कहता है कि पॉजिटिव चार्ज गोज टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड की दोनों साइड में जो कार्बन होते हैं इनके पास कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। सो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा ना, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इसके पास जाएगा बच्चों, आप बताइए कि ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये तभी जाएगा जब यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज हो। मैं इसको अगर नंबरिंग करता हूं, वन कार्बन टू कार्बन एंड थ्री कार्बन, टोटल कितना है, थ्री कार्बन है। और पॉजिटिव चार्ज अगर CH2 के पास आता है तो इसका मतलब इसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। सो सेकेंड कार्बन से फर्स्ट कार्बन तक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होती है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव और H प्लस न्यूट्रल बन जाएंगे और ये कार्बोकैटायन बनेगा, क्या बनेगा ना, दैट इज कार्बोकैटायन CH3C, यहां पे हम देखते H प्लस अगेन CH3। सो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, हमेशा एडिशन जब होती है लेकिन वो दोनों साइड में हो सकता है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, सैचुरेटेड है एक तरह से, ये दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन है, इसकी वजह से H प्लस क्या करेगा ना, इन दोनों के पास आएगा। अभी हमें मार्कनी का रूल कहता है ना, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है H प्लस उसके पास है, क्योंकि ना H प्लस अगर यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा CH3 और यहाँ प्लस आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर मैं इसको लाता हूं तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, आज कंपेयर टू सेकेंडरी प्राइमरी वाला क्या होगा ना, लेस स्टेबल होगा। आइए हम बात करते हैं कि सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। आपको आई जस्ट बिलीव दैट आपकी समझ आ गया होगा अभी तक कि कैसे फर्स्ट स्टेप हुआ ना। फर्स्ट स्टेप में पहले मैं एक बार रिपीट करता हूं ना, वाटर के साथ H प्लस अटैच होने के बाद हाइड्रोनियम हुआ और वो के ऊपर प्लस आ गया, वो हाइड्रोनियम एल्किन के साथ रिएक्ट किया, पहला स्टेप जो हमारा है प्रोटोनेशन वो कंप्लीट हो गया। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है ना, एल्किन के ऊपर प्लस चार्ज आया, एल्किन के ऊपर क्या हुआ ना, प्लस चार्ज आया, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, किसकी ना, सेकेंड स्टेप की, और मैं इसको नीचे लिखता हूं स्टेप टू, दिस इज स्टेप टू, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक मैकेनिज्म इस तरह का, और दो मैकेनिज्म है आप जरूर ध्यान रखिए। अब मैं बात करता हूं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेप टू, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्या है PND, प्लीज नॉट डिस्टर्ब, क्या है प्लीज नॉट डिस्टर्ब नहीं, प्रोटोनेशन न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड डीप्रोटोनेशन की हम बात करते हैं।
सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक में मैं बात करूंगा कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन को मैंने यहां पे लिखा सी एच थ्री सी एच प्लस और सी एच थ्री प्लस वाटर। फिर से मैंने क्या किया, देखो यहां पे तीनों स्टेप में क्या होगा, वाटर आएगा। तीनों स्टेप में क्या होगा, वाटर मतलब पानी आएगा यहां पे। सो वाटर कंडीशन में आप मैंने जिससे पहले बताया था कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन कैन मूव बट प्रोटॉन कैन नॉट मूव, हमेशा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। और यहां पे लोन पेयर है वाटर के पास और वाटर एक्ट एज ए H2 मॉलिक्यूल एक्ट एज एम्प्लीफाइल्स बाय इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करता है। आइए हम बात करते हैं कि ये क्या किया ना, इसको अब इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको देना कार्बन को दिया। अब कैसे स्ट्रक्चर आएगा, अब ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा ट्विस्टेड करूंगा इधर, क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा बेंड कर दी, CH3 को नीचे की तरफ ले लिया है। जब CH3 को नीचे की तरफ ले लिया, ऑक्सीजन और ये जो कार्बन है सेकेंड कार्बन, अब अटैचमेंट किन दोनों के बीच में होगी ना, ऑक्सीजन एंड सेकेंड कार्बन के बीच में। अब ये न्यूट्रल हो जाए क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाएगा और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओ के ऊपर प्लस, वाटर है तो एच आ गया, क्लियर हो गया। सो स्टेप टू में हमने देखे दिस इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक और वाटर क्या होता है ना, एम्प्लीफाइड होने की वजह से बिकॉज इट कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया। अब हम बात करते हैं स्टेप थ्री, जो स्टेप थ्री है मैं ये सारी चीज को अभी इरेज करूंगा। अब स्टेप थ्री की मैं बात करता हूं, यहां पे स्टेप थ्री, स्टेप थ्री कर जब जाएंगे आपको ये ध्यान रखना है, आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए इसको, स्टेप थ्री, क्लियर। सो नाउ स्टेप थ्री, स्टेप थ्री क्या था, पीएनडी स्टेप आपको हमेशा याद रखना है, पीएनडी, इससे आपका स्टेप याद रह जाएगा। अभी हम जो रिएक्शन लिख रहे कि वो अल्की इंटू अल्कोहल बनाना है, स्टेप थ्री होता है डी प्रोटोनेशन। क्या है डी प्रोटोनेशन का मतलब, आप सब कुछ समझ आ रहे कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बाय एच प्लस, रिमूवल ऑफ एच प्लस भी कह सकते हैं क्योंकि एच प्लस यहां पे रिमूव होगा। आइए हम बात करते हैं हमारे जो सेकंड स्टेप के बाद ये आया प्रोडक्ट, इसको मैं लिखता हूं अभी ना, सी एच थ्री सी एच अगेन सी एच थ्री, यहां पे ओ के ऊपर प्लस एच और एच। फिर से मैंने क्या किया, इसको वाटर के साथ ट्रीट कर दिया, क्लियर। वाटर ने क्या करेगा ना, एच प्लस को खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज भी है, तो इमीडिएटली क्या करेगा ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। वो चीज ध्यान रखना है, मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होती है, मेंटेनिंग बस शोइंग द आरो, कौन इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे इसको शो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए हम बात करते हैं यहां पे क्या होगा ना, अब क्या हो जाएगा ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया है सी एच, क्लियर। नीचे मैंने सी एच थ्री थोड़ा लिख दिया, यहां पे हो गया ओ एच, देखो ओ एच, और ये जो इलेक्ट्रॉन ले लिया प्लस चार्ज क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल बन गया और अगेन ये जो थर्ड जो बाई प्रोडक्ट यहां पे आया H3O प्लस। जो इनिशियली स्टेप वन में हमने हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन को हमने लिए थे, फिर से जो लास्ट स्टेप में ये क्या हुआ रिलीज हो गया है, क्लियर। तो इसलिए हम बात करते हैं कि ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो गया है पीएनडी, अब क्या हुआ ना अल्कोहल बन गया। सो प्रोपीन लिए थे, हमें क्या मिला प्रोपान टू अल, वन टू थ्री या ऐसे, इसको मैं स्ट्रेट करके लिखूंगा सी एच इधर ओ एच एंड ये सी एच थ्री, क्लियर। सो दिस इज प्रोपान टू अल, सो प्रोपीन से प्रोपानल बन गया है बच्चे। इसीलिए आपके लिए काम में दे रहा हूं इस समय कि आप जरूर इथिन टू इथानल घर में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या ना इथिन टू
इथानॉल, इस टाइप से जब आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप से जो प्रैक्टिस करोगी तभी आपको आ पाएगा। लेकिन आज दो हमेशा आता है, जब भी आएगा, आइदर प्रोपिन टू प्रोपानॉल हो या इथिन टू इथानॉल हो, या क्वेश्चन आ जाएगा एनी अल्किन टू अल्कोहल, आप अपनी चॉइस से भी बना सकते जब ऐसे क्वेश्चन आता है, या फिर आपको आ जाएगा राइट द कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ व्हाट ना इथिन या प्रोपिन लाइक दिस। एक क्वेश्चन में आपके लिए जरूर दूंगा, आप इसको लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्या के लिए ना प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्या है ना इथिन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, पानी दे दिया, जो पानी में जो H प्लस थोड़ा सा एसिड लिया, अब ये क्या देगा इथानॉल CH3 CH2OH। सो इसी का मेकानिज्म आपको पूछेगा इथिन टू इथानॉल, क्लियर। सो यहां पे मेकानिज्म आप जरूर याद रखना, जब अल्किन टू अल्कल होता है आपको ये याद होना चाहिए दिस इज PND, दिस इज व्हाट, दिस इज PND। सो ये आप घर में जरूर इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार, या नेक्स्ट टाइम आप अपने आप से इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब बच गया कितना है ना दो मेकानिज्म अब बच गया है, जो उसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियो को जरूर देखना है, आप इस टाइप से टाइप करना है कि दूसरा जो दो है मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, ये हो गया फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है ना अल्किन टू व्हाट अल्कोहल, सेकेंड मैकेनिज्म जो होगा ये आपको ध्यान रखना है ना, ये है अल्कोहल टू, उल्टा है, जस्ट रिवर्स है, अल्कोहल टू अल्किन है, ये थ्री मैकेनिज्म। थर्ड जो मैकेनिज्म होगी वो है अल्कोहल टू इथर है, क्लियर। इन तीनों में से ज्यादातर 99.9% चांस है कि एक मैकेनिज्म CBSE पूछ लेता है। आप दूसरे मैकेनिज्म के लिए मेरे चैनल में जाकर के डॉक्टर प्रदीप जेना ओब्लिक आप लिख देना मैकेनिज्म अल्कोहल टू अल्किन या अल्कोहल टू ईथर, तो आपको ये मैकेनिज्म सामने आ जाएगा, क्लियर। तो मैं बिलीव करता हूं आपको समझ आ गया होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है और मुझे एनकरेजमेंट देते रहना है। आई बिलीव दैट यू प्रोग्रेस योरसेल्फ। थैंक यू ऑल।